नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज भागवन क्लास 9 का पाठ मेघ आए का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले भी क्लास 9 क्लास 10 का लगभग मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को मेघ आए कविता का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके राइटर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1983 ईस्वी में हो गई। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इस कविता में कवि ने बादलों के छा जाने पर प्रकृति कितना मनोरम यानी सुंदर लगने लगता है उसका बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित किया गया है। चारों तरफ बारिश से झरझर की आवाज़ आने लगती है और प्रकृति में एक मधुर संगीत जैसा सुनाई देता है। साथ ही मेघ की तुलना शहरी दामाद किसको बोलते हैं, जो घर की बेटी होती है उसके जो पति होते हैं उसको दामाद बोला जाता है। तो यहाँ मेघ की तुलना शहरी दामाद से किया गया है जो शहर से सजधज कर आता है तो सारे गांववासी उनका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब उनको एक नज़र देखने के लिए बेचैन से रहते हैं। उसी तरह कवि कह रहे हैं कि मेघ यानी बादल आ रहे हैं, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया है और उसको बहुत ही सुंदर मानवीकरण किए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें व्यक्त किया गया है। तो आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज बादल बहुत ही सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं, यानी बहुत ही सज धज कर आलीशान वेश धारण कर आ रहे हैं। जिस तरह गांव में कोई दामाद आते हैं तो छोटी छोटी लड़कियां जो होती है बालाएं जिसको युवतियां बोलते हैं वे नाचती गाती हुई सबको खबर पहुंचाने जाती हैं कि गांव में दामाद जी आ रहे हैं, गांव में दामाद जी आ रहे हैं। और उसी तरह बादल आने से पहले क्या होता है, हवा चलती है, बयार का मतलब है हवा। और जब बादल आती है, जब बारिश होने पर रहती है तो हवा चल रही होती है। अब यह खबर सुनकर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है ताकि लोग प्रत्येक गली में दामाद को देखने चले जाएं। शहर के दामाद को देखने के लिए सभी लोग व्याकुल नजर आ रहे हैं, यानी मेघ रूपी दामाद को लोग देखना चाह रहे हैं। जिस तरह शहरी दामाद जब आते हैं तो वे पूरी तैयारी के साथ अच्छे पहनावा में आते हैं, उनका रौनक आम लोगों से अलग होता है, लोग उन्हें देखने के लिए बड़े ही उतावले रहते हैं। उसी तरह काले काले मेघ भी पूरी तैयारी के साथ यानी मनोहारी बारिश लेकर आ रहे हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से सज धज कर समर कर आ रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। कवि कहते हैं कि बादल बड़े ही सज धज कर और सुंदर वेश धारण करके आ रहे हैं। पैर झुककर अपने गर्दन को झुकाकर झांकने लगे हैं यानी अपने गर्दन को उचकाए हुए हैं, जैसे कोई गांव में दामाद आते हैं तो लोग अपनी गर्दन को झुकाकर झांकने लगते हैं, अपने गर्दन को उचकाकर देखने का कोशिश करते हैं। इसी प्रकार पैर भी आंधी और हवा के कारण कभी नीचे झुकते हैं फिर ऊपर उठ जाते हैं। यह
रफ्तार चलते रहता है, यानी वे भी दामाद को देखना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेघ आने के बाद आंधी चलती है और धूल उड़ने लगती है। कभी धूल की तुलना छोटी बालिका युवतियां जो होती है उससे कर रहे हैं, जो दामाद के आने के कारण अपना घाघरा उठाकर भागती हुई गांव वालों को बताने जा रही हैं कि गांव में दामाद जी आ रहे हैं, और लोगों के अंदर दामाद को देखने की जिज्ञासा होने लगती है। लोग बड़े ही बेचैन भरी निगाहों से दामाद को देखने निकल पड़ते हैं। नदी भी मेघों को तिरछी नज़र से देखने लगी है, जैसे गांव की कोई स्त्री शर्मा कर अपना घूंघट सरका कर तिरछी नज़र से मेहमान को निहारती रहती है। यानी इस पाठ में गांव की जो जो महिला होती है वे किस तरह से तिरछी नज़र से घूंघट के अंदर से झांकती है, उसका भी दृश्य उपस्थित किया गया है। इस प्रकार बादल सज धज कर आ गए हैं। आगे कभी कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। कभी कहते हैं कि बादल बड़े ही सज धज कर आ गए हैं। कभी कहते हैं, जिस तरह मेहमान के आने पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर बादलों का स्वागत कर रहा है। यहाँ बूढ़ा पीपल इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल की आयु हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष होती है, इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर बादलों का स्वागत कर रहा है। जैसे लताएँ जैसे मनी प्लांट होता है, उस तरह के जो पौधे होते हैं वे व्याकुल लताएं किवार के पीछे छिपकर, यानी ऐसा लगता है जैसे वे लताएं नवविवाहिता हो, नई नई उसकी शादी हुई हो और बादल रूपी पति से एक साल बाद मिल रही हो और उससे शिकायत कर रही है कि इतने दिनों के बाद मेरी याद आई है। तालाब भी खुश होकर इतना आनंद मग्न हो गया है कि वह विशाल नदी रूपी परात बर्तन में पानी भरकर लाया है ताकि वे मेहमान के पैर को धो सके। इस तरह बादल सज धजर धज कर आ गए हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति इतना मनोरम दृश्य उपस्थित करता है कि चारों तरफ आनंद का वातावरण छा जाता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी यानी प्रकृति में खुशियों का लहर छा जाता है। आकाश में मेघ छा जाते हैं। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। प्यासी लताएं पानी बरसने की आशा में खुश है। तालाब का पानी भी लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति सजा समरा हुआ सा दिख रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कभी कहते हैं कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर घने काले बादल दिखाई दे रहे हैं और रुक रुक कर बिजली चमक रही है। यह देखकर गांव वाले को विश्वास हो गया है कि अब बादल अवश्य बरसेंगे। पहले उन लोगों को के मन में आशंका थी, उन लोगों के मन में भ्रम था कि पता नहीं मेघ बरसेंगे या नहीं बरसेंगे। अब जो यह सब भ्रम थी, यह सब गांठ उन लोगों की समाप्त हो चुकी है। अब बादल ऐसे बरस रहे हैं जैसे दो प्रेमी लंबे समय बाद मिलकर आंसू बहा रहे हों, जैसे दामाद के आने से घर में बेटी खुश हो जाती है और उसका अपने पति प्रेमी से मिलन हो जाता है। उसी तरह बारिश रूपी आंसू झर रहे हैं और दोनों बेटी और दामाद के मिलन से खुशी की आंसू बह रहे हैं और वे उनसे क्षमा मांग रही है क्योंकि एक साल बाद वे आ रहे हैं, उनके हृदय की गांठ खुल चुकी है। इस तरह उन दोनों के मिलन का अश्रु बादल के रूप में बरस रहे हैं। कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और यह पाठ आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।
Thank you.